लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बॉस ने वो DS3 डायमंड नेकलेस मंगवाया है। ओह, इनके पास इनविटेशन कार्ड नहीं है। ये आप मेरा पास रख दीजिए। थैंक यू सो मच। नो मेंशन। डोंट मेंशन। डोंट मेंशन। सर, इस पे मुझे आपका साइन। Shut the fuck up. तुम्हारी सैलरी, तुम्हारा घर हमारे कंपनी से चलता है। अब इससे बुरा और क्या हो सकता है? आइए आपको छोड़ दूँ। Thank you. ताई, क्यों? पागल है क्या? डरा दिया? अच्छा चलो, मुझे ना कल के फैशनों के पिक्चर्स भेजो जल्दी। घूमने नहीं गई थी, काम से गई थी मैं। What? अपने पिक्चर्स नहीं क्लिक किए? ताई ये देखो, इंस्टाग्राम पे मैंने पोस्ट भी डाल दिया कि मैं पिक्चर्स डालने वाली हूँ और अपने पिक्चर्स नहीं क्लिक किए। ये तेरे इंस्टाग्राम से ना दुनिया नहीं चलती है। What? You know, you have no idea कि कितना स्ट्रगल करना पड़ता है टू गेट फॉलोअर्स और अपने पिक्चर्स नहीं क्लिक किए। चल फटाफट ध्यान दे। अरे ये चप्पल किसकी है? कौन लाया? ए पागल, क्या कर रही है? CCTV में सब दिखता है। ट्राई तो कर रही थी, कौन सा घर लेके जा रही थी गुरुजी। अच्छा एक बात बता, वो जब ज्वेलरी यहाँ से बाहर ले जाते हैं तो वो गेट पास पे जो सिग्नेचर चाहिए होता है वो किसका लगता है? अपने मैनेजर सर भी नहीं है, वरना उन्हीं का ले लेती। HOD नहीं है तो एडमिन का भी चलेगा। BKC के हेड ऑफिस में बैठते हैं सब। हेड ऑफिस? तो फिर तो वो बंदा अनुज हेल्प कर सकता है। कौन अनुज? हेड ऑफिस में बैठता है। अब तो एक साइन के लिए हेड ऑफिस जाएगी। हाँ तो क्या करूँ फिर? और एक्चुअली ना मुझे उसका छाता भी लौटाना है तो। ओए होए, छतरी छतरी एक्सचेंज हुई है और कुछ भी? रिलैक्स, लाइफ में ना रोमांस के अलावा और भी इमोशंस होते हैं। हद हो गई गुरुजी, मुझे तो लगा आपको फाइनली कोई मिल गया है। प्रिंस चार्मिंग टाइप, वाइट जैगुआर वाला। रिलैक्स, नॉर्मल सा ही बंदा था पर दिल का अच्छा था। मेहता डायमंड्स के मालिक अनुज मेहता के पास खाने का टाइम है? मैं मालिक नहीं, आप मालकिन। जय श्री कृष्ण। अनुज, ना तुझे पकोड़े का स्वाद आएगा ना घर के खाने का, रखना इसे बाजू में, चल खाना खा ले। थोड़ी यार, बहुत जरूरी है। अच्छा सुन, कल रात को शो के बाद पार्टी के लिए क्यों नहीं रुका? अरे वो सब मुझे नहीं जमता है, और आज जल्दी भी तो आना था, तैयारी करनी है ना, शिया को बाहर भेजना पढ़ाई के लिए। डायमंड के बारे में सीखने और समझने के लिए सबसे अच्छी जगह है। अच्छा है ना, ऋषि मार्केटिंग देखता है, शिया बिजनेस समझ लेगी और आगे जाके फिर दोनों संभाल सकते हैं। हमेशा भाई बहन के बारे में ही सोचेगा, खुद के बारे में कब सोचेगा? कल को तेरी शादी होगी, बच्चे होंगे, उन्हें क्या देगा? श्रिया और ऋषि मेरे बच्चे जैसी है ना। हाँ, टेंशन नहीं लेने का, क्या लाए? मेथी की भाजी। चल। हाय गाइस। हे हे शिया, व्हाट्स अप? यू आर स्वेटी। हाय बेब, लिसन,
which dress were you wearing last night? Like Gucci, Prada? Yeah. You know what I'm really tired of? The same old designers. This new guy, this French guy. He's so, so, so good. Anyways, I'm gonna go, alright? See you. Where's my trainer? Miss Shreya, you are late. You are late by 45 minutes. Kickboxing ki class start ho chuki hai, so I would suggest ki aap kal aaye. And please be on time. Firstly, I cannot do anything about the stupid traffic in the city. And secondly, main baakiyon se 4 guna zyada paise deti hoon. So, the next batch can wait, but I can't. Kya kar raha hai tu? Janta nahi kaun hai? Bada gayi na to pura tandav kar degi life mein. मैं श्रेया, मैं जानता हूँ कि आप बाकी लोगों से 4 टाइम्स ज़्यादा फीस देती हैं, इसलिए मैंने आपको कहा प्लीज आप कल आइए. Forever. Hello. What are you doing here? This is men's section. So, shoot. I didn't leave because I want to kill you because you're so bloody disgusting. And so bloody hot. Okay. Koi aa jayega. So what? This place is anyway so boring. Let me add some spice. Really? क्या मैडम, अभी यहाँ सफाई करवाई थी. सॉरी दादा, वो क्या है ना कि पूरी भीगी हुई है तो अंदर जाऊंगी तो नदियाँ. किससे मिलना है आपको? मुझे ना दो लोगों से मिलना है, एक तो जिनका ये चाहता है उनसे, और हमारे जो बॉस हैं उनसे मुझे कुछ साइंस चाहिए, पर पहले ये छाता. हाँ तो छाता देने वाले का कोई नाम तो होगा. हाँ, अनुज. अनुज जी? अरे मैडम, यहाँ 14 अनुज काम करते हैं. पूरा नाम बताइए. अब पूरा नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ लंबे से है, गोरे से, नाक थोड़ी लंबी है. अब क्या मैडम, मैं रंगों के शेड कार्ड लेके बैठूं? एक काम करिए, आप ये छतरी यहाँ छोड़ जाइए, जिस किसी भी अनुज की होगी मैं उन्हें बाद में दे दूंगा. ठीक है, ये लीजिए. जी गुड मॉर्निंग सर. यस सर, ये आज के प्लान्स हैं. यस. फर्स्ट वी हैव एंडी फॉर द प्रेजेंटेशन. नो नो नो, आई वांट दीस टू गाइस ऑन इट. ओके सर. शो एनीबॉडी एल्स? नो, आई वांट इट बाय 4 PM. ओके, इट विल बी डन. गॉड, तुम यहां भी? सर, वो साइन, कैन यू स्टॉप प्लीज? हैंडल ऑन. नो, क्या है मैडम? नो, आई वांटेड टू टॉक टू यू. आप सिक्योरिटी से बात कीजिए प्लीज. अरे हाय हाय, सॉरी. वो नहीं, ठीक है, मैंने फाइल्स देख ली है और वो दो लॉयर्स भी आए थे वो मान गए, और कल की डिजाइन भी मैंने देख ली. भाई सॉरी, वो कल रात की पार्टी में लेट हो गया. हाँ. वो आई हैड टू स्टे टिल द एंड, यू नो व्हाट आई मीन. दादा प्लीज, मुझे मिलना है उनसे. मैडम ऐसे कैसे बगैर अपॉइंटमेंट के मिलने दूं आपको? वैसे भी ऋषि सर थोड़ी देर के लिए आते हैं, उन्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकते. आप ऐसा करना, कल अपॉइंटमेंट लेके आ जाना. अच्छा ठीक है, आप अनुजी तक के छाता पहुंचा दीजिएगा. माने हांडवा.
अच्छा है। मुझे भी बाइक चलानी है। पागल हो? तुमने अगर ये बाइक ठोक दी ना तो तुम्हारे स्टैंडर्ड के हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए मुझे अपनी दोनों किडनियां बेचनी पड़ेंगी। शट अप। गाड़ी में क्यों नहीं जा रहे? यार ये ट्रैफिक में ना बाइक बेस्ट रहती है, और वैसे भी अगर लड़की पीछे बैठी हो तो बार बार ये ब्रेक मारने का मजा ही अलग आता है। अच्छा मैं ना एक फ्रेंच मैगजीन कवर के लिए जा रही हूँ, वहाँ पे सबके सामने अनाउंस कर दूँ कि हम कपल हैं। डोप किए तुमने क्या? इमेजिन इट बी लाइक एन इंस्टा ब्रेक। ओ हेलो एलिस इन वंडरलैंड, तुम्हें पता मैं कहाँ रहता हूँ? तुम्हारे घर से 17 स्टेशन दूर हूँ, वहाँ से यहाँ आने के लिए मुझे ट्रेन लेनी पड़ती है। ट्रेन में बैठी हो कभी? जिस दिन ट्रेन में बैठोगी उस दिन अपना इंस्टा ब्रेक कर लेना। डन। मुझे ट्रेन लेने की क्या जरूरत है जब बाइक और बाइकर दोनों मेरे पास है। अरे देख रहे हैं अंकल, देख रहे हैं। You scared me. Sorry, sorry. मुझसे डर गई? हाँ? गई काले रात ना वो मजा आई नहीं? हाँ बहु। अभी कहाँ से? Kickboxing. हाँ, वो तुम्हारा fighting class. आज traffic बहुत था ना? हाँ, but मैं तो वैसे भी गाड़ी में सो जाती हूँ। हाँ। बाकी सब ठीक? Everything is fine. क्यों? नहीं, तुम ठीक ना? तुम्हारे दोस्त सब ठीक? मतलब तुम दोस्त तुम लोग सब ठीक हो? हाँ सब ठीक हो। क्या? I'm gonna go crash now. Plane crash? हाँ कब? No, I'm tired. I'm gonna go sleep. Okay, good night. हाँ तो good night. तो ऐसा बोलो ना, सोने जा रही हूँ। Good night, ma'am. Good night. Good night, sir. हाँ, hey बकुल, हाँ वो श्रिया के दोस्त का नाम क्या है? अरे वो जो बाइक पे छोड़ के गया था ना, वो राहुल? सर अनिकेत। हाँ अनिकेत, वो नाम भूल गया था एकदम। हाँ तुम जाओ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अनिकेत, उसको बोलना शिका का ही लगाए, क्योंकि हमसे मिलने तक तो वो टकली हो जाएगी। दी ये ना एक्चुअली वो मैं क्या उसका नाम तो बता, कब तक उसको किकबॉक्सिंग वाली बोल के बुलाती रहूंगी। हाँ क्या बताऊँ ताई, होना होना कुछ है नहीं। क्यों नहीं होना होना? अब मैं कैसे समझाऊँ आपको, वो ना मेरी रेंज की बाहर है। शी इज टू रिच, मतलब हम ये फैशन स्ट्रीट वाले, हम लोगों को ये गुच्चे के सपने नहीं देखने चाहिए। ओ गधे, जब बड़े बड़े सपने देखेंगे तभी तो उसके पूरे होने की बड़ी बड़ी खुशियाँ होंगी। और जब सपने टूटेंगे तो चोट भी तो लगेगी। ओले मिला क्यूटू सा देवदास। ये अंदर मेहता डायमंड्स वालों की स्लिप क्या पड़ी है? अरे वो चालान पे साइन चाहिए बॉस का, उन तक पहुंचना भी मेरे लिए एक सपने जैसा ही हो गया। ईमेल कर दो। नहीं है ना, ऋषि मेहता की ईमेल आईडी किसको नहीं पता। तुझे कैसे पता कि मेरे बॉस का नाम ऋषि मेहता है? वो चेक घर में उन्हीं के नाम से आते हैं तो। हाँ ट्रू। यप। हेलो श्रेया, लिसन, यू नो ये बात हमारे बीच में पहले भी हो चुकी है, बट मैं ये कह रहा था कि ब्रेकअप? नो यार, जान में करते हैं ना। 31 दिसंबर को न्यू ईयर के लिए मुझे सिंगल नहीं रहना। शेयर, आई एम सीरियस। तुम्हारी लाइफ मेरी लाइफ, इट्स लाइक स्विट्जरलैंड एंड धारावी। धारावी साउंड्स लाइक अ छोटी सी प्लेस इन साउथ अमेरिका। नो एग्जैक्टली,
तुम्हें इस जगह के बारे में पता भी नहीं और मैं इस जगह को रोज जीता हूँ। तुम्हारी प्रॉब्लम तुम नहीं समझ रही हो श्रेया, ये हमारा साथ होना पॉसिबल नहीं है। यू नो व्हाट, मुझे ना वो लाउड वाली बड़ी वाली किस जो तुम देते हो ना, वो दो ना प्लीज। शायद तुम सुन भी रही हो मैं तुम्हें क्या कह रहा हूँ। हाँ, और तुम बहुत बोर कर रहे हो यार। रानी विल मैनेज, एडजस्ट हो जाएगा। और भी मुझे जाके सोना है, वरना वो मेरा खुडूस ट्रेनर है ना, वो मुझे फिर से सुना देगा। सो गुड नाइट, लव यू, बाय। अरे क्या बात है सर, आप तो दो दिन पहले ही आ गए छुट्टी से। लगता है मैडम ने भगा दिया जल्दी। मैं नहीं आता तो तुम दो दिन के अंदर हमारी पूरी ब्रांच को ही गायब करवा देती। चार दिन मैं स्टोर पे नहीं था और यहाँ 2.5 लाख की गड़बड़ होगी। 2.5 लाख? नहीं सर, ऐसा तो कुछ भी नहीं, अकाउंट्स एकदम क्लियर है। उस फैशन शो में 10 नेकलेस जाने वाले थे ना, 11वां क्यों हो गया? किसने कहा था ले जाने को? और गया तो वापस क्यों नहीं आया अभी तक? तुमने गेट पास पे साइन लिए थे क्या? सर एक्चुअली ओनर के पीए का फोन आया था और वो नेकलेस अर्जेंटली चाहिए था, और गेट पास की साइन के लिए मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था, एंड ही इज द ओनर सर। सो तुम सुन रही हो तुम क्या कह रही हो? हमारे यहाँ से 2.5 लाख का नेकलेस गायब हुआ है जो तुम्हारे हिसाब से तुमने वहां पर दिया था, पर इसका कोई प्रूफ नहीं है तुम्हारे पास। सर आई एम एन ओल्ड एंड ऑनेस्ट एम्प्लॉय, इसके बावजूद भी आप पॉइंट इज कि अब उन्हें बताना है कि नेकलेस उन्होंने मंगवाया था और अभी उन्हीं के पास है, और अगर उन्होंने मना किया तो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। लेजर का था, आपके सब टेस्ट हो गए, सब ठीक है? जी सर, सब टेस्ट मेरे ठीक है। चलो भाई, थैंक यू। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हाँ, सो मेक श्योर वी गेट द कॉल बैक फ्रॉम द बेल्जियम क्लाइंट, ओके, एंड मेक श्योर दैट हैपेंस टुडे। जय श्री कृष्ण। मोटा भाई, हाँ, That Belgium contract is almost through. एक आखिरी मीटिंग है उनके साथ. It's going to be the biggest deal of the year. वाह, अच्छी बात है. अच्छा मुझे ये बता, कल के फंक्शन में नेकलेस तुमने सब गिफ्ट कर दिया? मोना भाई, अब अकाउंट्स करना जरूरी है क्या? आप ऋषि, जरूरी इसलिए है क्योंकि 10 मॉडल्स को 10 नेकलेस गिफ्ट करना तने अंदाजो छे ना इनकी कीमत कितनी है भाई। बिजनेस का एक सिंपल फंडा है, जो दिखता है वो बिकता है। मार्केट में परसेप्शन बिल्ड करना पड़ता है। हमारे इवेंट जो है इट्स ऑल ओवर द न्यूज, इट्स ऑल ओवर सोशल मीडिया, विच मीन्स हमारे कंपनी को एक एडवर्टाइजमेंट मिल गया है। हाँ ऋषि, तुम्हारी वो परसेप्शन, हाँ वही, पर उसके लिए इतना खर्चा करना भी बेवकूफ़ी है। मतलब कल के फंक्शन में खर्चा हुआ ही था ना। जय श्री कृष्ण ऋषि, कंपनी के एम्प्लॉयज को खुश रखना ना, उससे बनती है अपनी वो परसेप्शन। हाँ भाई, आप बहुत ओल्ड स्कूल हो, पर हमारा थॉट प्रोसेस अलग है तो आप समझेंगे नहीं। बिजनेस अब बदल गया है भाई, तरीका बदल गया है। कंपनी का नाम हुआ है क्योंकि हमने अपने मॉडल्स को एक्सपेंसिव गिफ्ट्स दिए हैं। सब मार्केटिंग नहीं होता ये बिजनेस, ये नींव मजबूत है वो हमारे बाबा और उनके संस्कारों की वजह से, और हमें उनके सिखाए रास्तों पर चलना है। कंपनी का नाम तब होगा जब हम इस कंपनी में काम करने वालों को बड़ा बोनस देंगे। मैं समझता हूँ कि तुम्हारे तरीके अलग हैं ऋषि, पर कल 4 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ है। ये पैसे लोगों के काम आ सकते थे, अब क्या हुआ, 2-4 लोगों में बातें होगी और फिर सब खत्म। सब विले पार्ले ब्रांच से फ़ोन है, एक लड़की कह रही है कि कोई 2.5 लाख का आपने नेकलेस मंगवाया था इवेंट के लिए। बाद में बात करते हैं। अब ये कौन सा नेकलेस है? वो भाई कुछ नहीं, वो कन्फ्यूजन हो गया, उन्हें लगा कि मैंने मंगवाया, पर दैट्स दो मारी मैं संभाल लूँगा। आप क्या कह रहे थे? नहीं बस इतना ही, जो हुआ सो हुआ, अब ये पैसे रिकवर करने के लिए हम दोनों भाई मिलके कड़ी मेहनत करते हैं। हाँ okay. और आगे से ध्यान रखते हैं। Sure. तुमने सुना ना कि उन्होंने कोई नेकलेस नहीं मंगवाया? नाउ व्हाट गौरवी, अब या तो नेकलेस जमा करो या उसके 2.5 लाख, नहीं तो यू आर फायर्ड। अब या तो नेकलेस जमा करो
या उसके 2.5 लाख, नहीं तो यू आर फायर्ड। हो जाएगा, पापा है ना, वो सब ठीक कर देंगे। सांसों की डोरी से जुड़ते दिल सुबह शाम है, अनकही बातों में खट्टी मीठी यादों में प्यार का पैगाम है। बिन बोले सब जानता है, दिल को दिल से बांधता है, कितना भोला सा ये प्यार है। आंखों आंखों का इशारा, दिल को दिल का है सहारा, कसमों पर भी एतबार है। प्रीत सब सच्ची हो रही, मीत संग पक्की हो रही, प्रीत सब सच्ची।